उसमें भाई स्पॉइलर लगवाया था, इतने दिल चाह से इतनी दूर गया था लगवाने, और तीसरे दिन क्या होता है, सीधे स्पॉइलर को वो करवाऊंगा, क्या नाम है, ड्रिल करवाऊंगा। आप जी गाइस, अब सीधे भाई मैं करवाने वाला हूँ ड्रिल। ये भाई लाइट है अपनी, आराम से निकालो भाई, ठीक है ना। ये देखो, और ये अपनी भाई बाइक स्पॉइलर इंडिकेटर दे रखा है मैंने। चलो भाई चलते हैं, बस एक चीज रह गई। सो हाँ जी गाइज, क्या हाल चाल है, मैं आपको प्रिंसिपल आ गया फिर से बहुत बेहतरीन सा व्लॉग लेकर। गाइज ये व्लॉग बेहतरीन सा नहीं है, पहले बोल देता हूँ, क्योंकि इस व्लॉग में भाई बहुत ही दिल टूटा एक आशिक बन चुका हूँ मैं। सच में भाई दिल टूटा आशिक बन चुका हूँ, क्योंकि यार मैंने अपनी स्पॉइलर में भाई काम करवाया, सॉरी मैंने अपनी क्रूज में भाई स्पॉइलर लगवाया था, इतने दिल चाह से इतनी दूर गया था लगवाने, और तीसरे दिन क्या होता है भाई, ये बहुत ही ज़्यादा दुख किस्मत वाली गाड़ी, दुख किस्मत एक बात है, पहले ये देखो कि गाड़ी के ऊपर क्या रखा हुआ है। ये भाई गाड़ी मत लेना अगर उसे केयर ना कर पाओ। अब तुम कहोगे भाई तो तुमने क्यों ले ली, भाई मैं केयर करना चाहता हूँ, लेकिन अभी काम वाम के चक्कर में थोड़ा सा मैं डिले होता जा रहा हूँ। आज ही भाई मैं पापा शॉप पे जा रहे हैं, तो भाई मैं जा रहा हूँ गाड़ी में काम कराने, और स्पॉइलर निकले अराउंड मोर देन 1 वीक तो हो चुका होगा आराम से। बाकी बाद में गाड़ी के अंदर बैठ जाता हूँ, गाड़ी का एसी भी नहीं चल रहा अभी, तो सब कुछ कराएंगे, चलते सीधे पहले गाड़ी के अंदर ले। भाई साहब गाड़ी में जब एसी ना चल रहा हो, और गाइस इसके एसी में दिक्कत क्या आई है, पहले मैं बताऊँ, पहले मैं भाई शीशे वीशे खोलूँ सारे, मेरे को बैठे हुए 1 मिनट नहीं हुआ भाई, क्या करें भाई पसीना तो आता ही है, सनरूफ भी खोल रहा हूँ। सो गाइस मेन बात क्या है, देखो भाई मेरी गाड़ी का मतलब पहले मैंने इसमें गैस वैस पड़वाई थी, नॉर्मल बिल्कुल ठीक था एसी, फिर एकदम से पता नहीं क्या हुआ, गर्मी की वजह से या जो भी हुआ, इसका जो पाइप होता है गैस का वो फट गया भाई, ऐसा मेरे को बंदे ने बताया जिसे सही कराते हैं। बाकी मेन जो बात हुई है वो तो अभी हम जाके बताएंगे। और भाई फिर मैंने भी सोचा कि यार अभी गाड़ी में क्या ही काम करवाऊँ, तो अभी काफ़ी सारी चीज़ें दिक्कत दे रही हैं गाड़ी में, मैं आपको जैसे दिखाता हूँ, अभी मिलते हैं। तो गाइज आप ये देखोगे गाड़ी ये सब कुछ ठीक है, मेन ये शीशा जो भाई मेरे मामू ने तोड़ दिया था एक बार, ये देखो मामू आया था अभी, ये रहा इसका शीशा, और मैंने कहा चलो अब जा ही रहे हैं तो एक बारी में सब कुछ सही करा लेंगे। वाह भाई तीसरी चीज़ क्या, एसी, इसका एसी दूसरी बार दिक्कत दे रहा है, तो अब एसी भी सही कराते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट भाई, बहुत गर्म हो रहा है भाई, मेरा फेवरेट भाई स्पॉइलर, भाई उसकी तो मैं जब भी बात करता हूँ ना आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि यार भाई वो जिस प्यार से और जिस मेहनत से मैं लेकर आया था ना, और जितनी दूर से लाया था, हाँ मैंने फिर ये भी सोच लिया है कि अब मैं सीधे स्पॉइलर को वो करवाऊँगा, क्या नाम है, ड्रिल करवाऊँगा। अब जी गाइस अब सीधे भाई मैं करवाने वाला हूँ ड्रिल, क्योंकि ये प्लास्टिक वाला, और हाँ ये टूटा कैसे उसके पीछे ही बहुत बड़ी कहानी है, वो भी अभी आपको बताते हैं, पहले हम लोग स्पॉइलर गाड़ी में डाल लें फिर। चलो भाई, सो गाइस आप ये देखेंगे ये रखा है भाई मेरा स्पॉइलर, ये रहा भाई, आप भाई पहले तो भाई क्वालिटी देखेंगे ना स्पॉइलर की, A1, ये देखो भाई ब्लेड्स वाला भाई स्पॉइलर है अपना बेस्ट, और ये इस पे लगता था, फिलहाल तो भी हम इसको अंदर रख लेते हैं बहुत ही आराम से और प्यार से। अरे मम्मी आएगा नहीं इसके अंदर, एक मिनट, आ गया है। ये निकला कैसे था वो मैं आपको बताता हूँ, पहले चलते हैं जैसे। सो गाइस अभी हम लोग निकल चुके हैं भाई, और भाई ये स्पॉइलर टूटा कैसे भाई आप लोगों को पता होगा, मैंने वीडियो डाले हुए मेरे ख्याल से एक दो हफ्ते ही हुए हैं, और भाई स्पॉइलर पहले तो भाई चिपका हुआ था, वो सच बताऊं भाई अगर आप लोग स्पॉइलर लेते हो तो यार चिपकाना भाई मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, क्योंकि यार देखो ये है क्रूज़ भाई, आप लोगों को पता है कि आप ऐसी गाड़ियाँ अगर चलो सिटी में भी चला रहे हो, बट हाईवे पे जाकर आप थोड़ा सा खींचोगे ही खींचोगे, बहुत ऑब्वियस है भाई खींचोगे ही खींचोगे। और फिर हमारी एक सीक्रेट अभी प्लानिंग हो रही है ट्रिप भी, जो मेरी पहली बार मतलब क्रूज़ में ले लो, कैसी भाई फैमिली के साथ मैं गाड़ी से जा रहा हूँ ना, गाड़ी से हम लोग जाते नहीं है फैमिली वाले, क्योंकि मैं ज़्यादातर
अकेले जाता हूँ, घर वाले जाते नहीं है, तो फैमिली के संग भी हम लोग एक ट्रिप प्लान कर रहे हैं, वो भी आपको दिखेगा। तो हमने कहा यार जाएंगे तो भाई अपनी खुद की क्रूज पे जाएंगे, और ये भाई मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि अपनी मैं क्रूज लेके जाऊंगा। और उसके साथ साथ फिर भाई मैंने कहा चलो क्रूज पूरी A1 करा लेते हैं। तो गाइस हाँ, मेन बात हमारी जो थी कि अगर आप चिपकने वाला करवाते हो तो भाई वो मत करवाया करो, क्योंकि यार वो छूट ही जाता है भाई। अब आप समझो वो उस टाइम छूटने लगा था, फिर उसके बाद गाय वगैरह की लड़ाई वड़ाई हुई। पीछे मैं आपको स्क्रैच दिखाऊंगा, गाड़ी के आगे बोनेट पे स्क्रैच भी है। आगे की हेडलाइट जो टूटी थी वो और टूट गई, तो चलो सही है, भगवान करे टूटी जाए, पूरी टूट गई तो कम से कम भले से नहीं तो पड़ेगी। वरना पहले ये था कि हाँ भाई सिर्फ चटकी है, टूटी नहीं है यार, अब क्या साली टूटी गई वो। तो हमने कहा चलो आप पड़वा ही दे रहे हैं, तो हेडलाइट भी नहीं पड़वाएंगे, उसके साथ फॉग लैंप भी नए पड़वाएंगे, और भाई नया ही लेना पड़ेगा, मोटा खर्चा है तो क्या ही कर सकते हैं, अब गाड़ी ली है तो खर्चा करना पड़ेगा। तो आप लोग और भाई इसको ड्रिल कराएंगे, आप लोग भी भाई ड्रिल कराना, क्योंकि यार देखो क्रूज की जो बॉडी आती है ना भाई वो बहुत मतलब अच्छी खासी बॉडी होती है भाई, मेटलिक बॉडी है, प्लास्टिक बॉडी नहीं है, तो आप इजीली भाई उसको करा सकते हो। तो वैसे भाई मैं भी कराऊंगा, ये भी आपके सामने ड्रिल होगा। तो चलते जल्दी से, धूप बहुत ज़्यादा हो रही है, पर क्या करें गर्मी के मारे भाई सारे शीशे सब खोलने पड़ रहे हैं। तो जल्दी चलते हैं भाई, मिलते हैं सीधा आपको शॉप पे, बाय बाय। गाइस कुछ भी कहो, गाड़ी इंजन से A1 होनी चाहिए बस। देखो एक बार भाई अगर पैर रख दो बहस की पूर। गाइस ना मैंने कोई गियर डाला, ना मैंने भाई लो पन्नी पीछे से उड़ के आ गया भाई, भाई बस गाड़ी इंजन से A1 हो भाई। मुझे ना तुम शीशे खोल दो, कुछ खोल दो, मैं सब चलेगा भाई, बस गाड़ी इंजन से ऐसी हो भाई। वही है ना भाई, मुझे इंजन वाला थोड़ा प्यार है, इसलिए भाई मैंने क्रूज को चूज किया। वही परमिशन का गाना तो मुझे याद नहीं आ रहा, वरना मैं लाइन जरूर गाता। कोई ना चलो अब चलते हैं गाइस, रेड लाइट आ गए, फिर मिलते हैं। तो गाइस अभी आ गए हैं, और आते ही भाई सबसे पहला काम जो हो रहा है भाई वो स्पॉइलर लग रहा है अपना, क्योंकि मैंने पहले उन्हें बोला स्पॉइलर लगवा लेते हैं, मैंने कहा भाई मैंने स्पॉइलर ही कर दिया, लुक में ऐसी दिक्कत आ रही थी, अभी आगे से लगा हुआ है, स्पॉइलर लगेगा। स्पॉइलर लगने के बाद भाई फिर इसमें अंदर के मिरर वगैरह ठीक होंगे, लास्ट में एसी सही होगा, फिर गाड़ी जाएगी वॉशिंग पे, फिर देखना भाई आप उसके बाद, लेट्स गो। तो गाइस ये हो रहा है इसमें भी छेद, ये देखो भाई दो छेद करवाया मैंने, ज़्यादा छेद नहीं करवाया, मतलब दो एक तरफ, वैसे चार उसमें, वैसे उसमें तो छेद वो दिए गए हैं, लेकिन हमने दो दो करवाया, मैंने कहा भाई दो दो कर दो, इससे कि अपना फिक्स भी रहे, कल के दिन अगर दूसरा स्पॉइलर करवाना हो तो वो भी ईजिली हो जाए। स्पॉइलर लग चुका है और अब आ गए एसी वाले के पास, अब एसी की गैस चाहिए, और एसी मैं पढ़वा कर एक घंटे के लिए छोड़ दूंगा और स्टार्ट गाड़ी को रहने दूंगा, जिससे कि पता चल जाएगा कि भाई लीकेज हो कहाँ से रही है, मतलब एक घंटे तो नहीं जितना भाई गएंगे उतनी देर, ठीक है भाई लेट्स गो। लंबा ब्रेक हो गया, यहाँ भाई मेरे साथ हैं मैं और रुद्र भाई और राहिल भाई, क्या हाल है भाई? राहिल भाई थोड़ा बिजी हैं, थोड़ी देर में बात कराएंगे। और फाइनली भाई हमने नई लाइट भी ले ली, कट नथिंग नहीं सॉरी गाइस, थोड़ा पर्सनल मैटर है, लेकिन गाइस फाइनली हमको फॉग लैंप भी मिल चुके हैं और हमारी लाइट भी मिल चुकी है। खर्चा हो गया बहुत ज्यादा, मोटा ला 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 ला। हम लोग ट्रिप पे निकल जाएंगे, ये सब नहीं बता रहा था गाइस। तो गाइस फाइनली भाई, और मुझे खुशी इस बात की हो रही थी, जब से हमने नई ली थी गाड़ी तब से मैंने लाइट चेंज नहीं करवाई थी, और वो और टूट गई, तो आज मोटा खर्चा हो ही गया। तो गाइस इसकी लाइट की कीमत ही भाई अच्छी खासी है, क्यों भाई? अच्छा भाई ये बात तो है भाई, पर एसी भी हमारी गाड़ी का ठीक हो चुका है यार। एक चीज़ बोलूँगा ना भाई, क्रूज ना सबकी बस की नहीं है भाई चलाना यार, एक तो उसके पार्ट्स इतने रहेंगे, पॉइंट है, ऊपर से भाई मेंटेनेंस चार्जेस भाई, पॉइंट है भाई, या तो ऑडी ले लो या ये कोई दो तरीके के बंदे ले सकते हैं, या तो फिर कोई बहुत रेचो अमीर बाप की औलाद, या कोई बेवकूफ़ मेरी तरह बेवकूफ़ क्यों पैसे कहाँ से आएगा नहीं गाइस, लेकिन अब चल 4000 का प्रॉफिट यार भाई, बता नहीं था कम बता दिए अरे तो भाई चलते जल्दी से और लगवाते हैं गाड़ी पे।
और एसी वैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर गाड़ी वॉश भी करवाएंगे रात में ही, वॉश कराने के बाद। बच गया भाई, बच गया भाई, बच गया भाई, बच गया। तो भाई जल्दी चलते हैं, फिर मिलते हैं। ओ भाई रुद्र भाई देखो अपनी क्या लेकर आए, इतनी बढ़िया एक्टिवा। अरे कोई बात यार, एक्टिवा से भाई तभी तो कल इसी खराब एक्टिवा से मिलोगे। तो गाइस भाई की जावा अभी गई हुई है, भाई के पास जावा है भाई, बहुत महंगी, इसमें मैंने 40,000 व्यूज खाए हैं। ये 50,000 व्यूज खाए हैं भाई, थैंक यू सो मच। जिसने नहीं देखा वो पिन कर दूंगा, देख लेना। तो गाइस जल्दी पहुंचते हैं, फिर मिलते हैं, लेट्स गो। तो भाई, भाई तो अभी लाइट ले गए हैं, और ये रुद्र भाई, ये न्यू डिब्बा, कमान 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 भाई, इतनी खुशी हो रही है ना भाई। ये भाई अपना पुराना वाला फॉग लैम्प, हट साइड में जा। अभी आ चुका अपने न्यू फॉग लैम्प की अनबॉक्सिंग करते हुए, और गाइज मैंने बल्ब भी इसमें पड़वा लिए हैं बढ़िया वाले, दिखाओ रुद्र भाई। और गाइज इसके प्राइस चलो आपको बताऊँगा खुद, देखो पहले इसको दिखाऊँगा अगर किसी को चाहिए तो। ये भाई लाइट है अपनी, आराम से निकालो भाई, ठीक है ना। ये देखो कुछ ज्यादा नहीं, नहीं जो दूसरा दिखाओ भाई, गंदा है तो उसको ऐसे कह रहे हो, सॉरी बंदा ये। हाँ क्या हो गया भाई, क्या तुम भाई हाई नहीं बोल रहे हो यार। ये रहा भाई, ये देखो अब ये भी मतलब एक पुराना एक नया है, कहीं ऐसा नहीं है, देखो जो मिल गया वो मिल गया। सो गाइस अभी हम इसको करवाते हैं, देखो फॉग लैम्प नीचे लग जाएंगे, और हेडलाइट्स जो ये थी भाई ये टूटी हुई, ये पूरी टूट के निकल के, और हम लोग वही वाली लाइट लगवा देंगे। अब बस भगवान ना करे कि कोई दिक्कत हो, बाकी लाइट चेक कर सकते भाई, बिल्कुल नई लाइट। लेट्स गो। सो गाइस फाइनली भाई, इतनी खुशी, कितना घूमे भाई मेरे बालों में, भाई यार तुम्हारा बोलने का तरीका क्यों बदल जाता है यार, भाई प्ले बॉय बनने की कोशिश करता है भाई। समझाओ तुम, मैं तुम्हारा नाम नहीं लूंगा। वो कौन सा था, पहले था तू मेरा बेगाना यार। अरे अरे भाई क्या बोल रहा, अरे भाई। सो गाइस भाई एसी की, अच्छा एसी की हमें बताओ भाई, पहले कौन से नंबर पे, अभी तीसरे चौथे नंबर पे कर रहा है, बताओ। हाँ भाई चौथे भाई मत बोल। अरे भाई ने भाई पहले क्या था ना, एसी में थोड़ा सा इशू हुआ, वो पीछे वाले को हेडफोन लगे भाई, कितना तंग कर रहे थे कि बोल रहा है भाई, वैसे बोल रहे ऐसे अभी बोल रहा था कोई ठंड के मारे बाहर चला गया, जो अंदर आ रहा थोड़ा गर्म। लोग देखो एक बार क्या प्यारा लुक लग रहा है भाई, और अब अपने फॉग लैम्प, ये वाला कई फॉग लैम्प अभी निकलेगा, ये पुराना वाला फॉग लैम्प है और नया वाला फॉग लैम्प लग रहा है। ओहो भाई कर रहे भाई, नाइस। मुझे लग रहा है इसकी रोशनी भी थोड़ी ज्यादा आ रही है। चाबी, अच्छा चाबी, चलो 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 यार, इसकी रोशनी मुझे अच्छी लग रही है थोड़ी, एलईडी पड़वा ली हमने। ओके नाइस, देख रहे हो भाई, अभी फॉग लैम्प नहीं जले, फॉग लैम्प और जल जाए एक बार बस। सो गाइस फाइनली इतनी मेहनत के बाद अपनी गाड़ी के भाई दोनों के दोनों फॉग लैम्प भी जल रहे हैं, लाइट भी जल रही है, और तो और भाई सब कुछ जल रहा है, मतलब A1 तरीके से भाई, मज़ा आ गया भाई। चलो भाई, और ये अपनी भाई बाइक स्पॉइलर इंडिकेटर दे रखा है मैंने, चलो भाई चलते हैं। बस एक चीज़ रह गई, मतलब दो चीज़ रह, ओए हाँ भाई साइड वाला मिरर भी अपना प्रॉपर वर्किंग के साथ रख चुका है अंदर, और एसी भी भाई क्या हवा दे रहा है, मज़ा आ गया, और रात का विजन की लाइट भी जल चुकी है। बस एक चीज़ रह गई है, वो है ये शीशा, वो क्यों रह गया है गाइस, क्योंकि भाई ने ये चिपका दिया है, अगर मैं आपको ये दिखाऊँ, चिपका दिया उसका शीशा रखा हुआ है नीचे, ये रखा हुआ है गाइस, इसको उन्होंने बोला कि अभी चिपकने दो, चिपकने के बाद आप इसको लगवा देना, और चिपकने के बाद गाइस ये भी लग जाएगा, फिर अपनी गाड़ी हो जाएगी बिल्कुल रेडी। सो गाइस आई होप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो।